पुलिस फलाहारी बाबा पर लगे बलात्कार के आरोप की जांच में जुट गई है। पुलिस बाबा के आश्रम के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। एबीपी न्यूज ने आश्रम से जुड़े रामवीर चौधरी से बात की, जो पीड़ित लड़की को घटना के दिन रेलवे स्टेशन से आश्रम तक लेकर आया था। रामवीर चौधरी का दावा है कि बाबा पर साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। अलवर के फलाहारी महाराज पर छत्तीसगढ़ की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल फलाहारी महाराज अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं अलवर के रामकिशन कॉलोनी में फलाहारी महाराज के आश्रम के बाहर, और मेरे साथ हैं इस आश्रम से जुड़े तकरीबन 20 साल से संबंध रखने वाले चौधरी साहब। आपका नाम जानना चाहूंगा। रामवीर सिंह चौधरी। रामवीर जी कितने साल हो गए? 2000 से, लगभग 2000 से। 2000, तो ये बताया 17 साल से आप फलाहारी महाराज को जानते हैं, तो ये जो आरोप लग रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे तो निराधार लग रहा है और कोई साजिश की नजर आता है इसमें। ऐसा कुछ भी हमने तो आज तक देखा ही नहीं, क्यों वो किसी लेडी से हाथ ही नहीं लगाते और उससे भी दूर बैठते हैं, 5 कदम दूर बैठते हैं और डंडे से बात करते हैं, डंडा हाथ लगाते हैं, कभी देखा ही नहीं मैंने ऐसा कोई काम। जी, तो ये बताएं, ये 7 अगस्त की बात है, आपको कहाँ थे खुद आप उस दिन? मैं घर पे था, तो एक शिष्य मेरे पास गया कि आज सवेरे करीब 8 बजे, सुबह 8 बजे के यार हमारे 7 अगस्त की बात कर, हाँ जी, 7-8 रक्षाबंधन था, 8 बजे मेरे पास एक बच्चा गया कि हमारे पास आज ड्राइवर नहीं है, एक हमारे शिष्य आ रहे हैं, उनको आप रेलवे स्टेशन से ला दो। मैं कह रहा हूँ ला देता हूँ, तो मैं गाड़ी लेके रेलवे स्टेशन गया, एल्टो नहीं की, आश्रम की, आश्रम की गाड़ी एल्टो लेके गया, तो उनके महाराज जी ने अपना शिष्य भेजा साथ कि आप नहीं पहचानते उस पेशेंट को, आप हमारा आदमी साथ जाएगा जो उन्हें आपको साथ लेकर आएगा। तो वो लड़की वहां मिलती, वो लड़की मुझे जानती थी। वो कौन सी ट्रेन थी? डबल डेकर दिल्ली से आई थी, जयपुर से। अच्छा, जयपुर से अलवर आई थी? हाँ, दिल्ली जा रही थी। कितने लोग उतरे? नहीं, ट्रेन का मुझे मतलब, वो तो बाहर ही आ गई निकल के लड़की। अच्छा, अकेली लड़की? अकेली लड़की बाहर आ गई, फिर और हमारी गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी में बैठ गई, उसने मुझसे नमस्कार किया, वो मुझे जानती थी क्योंकि 15 दिन पहले वो पूरा परिवार यहाँ रह के गया है। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लड़की का बाप, लड़की की माँ, लड़की की छोटी बहन और एक उसके अंकल की लड़की, तीनों लड़की 15 दिन तक यहाँ मंदिर में रह के गए हैं। और वो जब उसकी माँ, उसने कहा, मैंने कहा कि आपका घर कहाँ है, तो मेरा घर यहाँ पे है, हम चाय पीने के चमक आओ चाय पी लो, तो 15 दिन पहले उनकी मदर, तीनों लड़कियां मेरे घर चाय पी के भी गई हैं। तो आप पहचान गए? पहचानता हूँ वो लड़की। नहीं, जब आपने उसको रिसीव किया? हाँ, बिल्कुल पहचान गए। मैं आश्रम पे छोड़ दिया सर। फिर मैंने उसे रस्ते में जरूर पूछा, बेटा त्योहार के दिन आज कैसे, मुझे महाराज जी से काम है, और ये कह के मैं तो छोड़ के चला गया। यानी कि जयपुर से डबल डेकर से वो आई, आप उसको लेकर आश्रम आई, कितने बजे छोड़ा आपने? 8:30 के करीब, 8:35 होंगे, दोबारा आश्रम आए? नहीं, शाम तक तो रहते ही हम आश्रम, लेकिन फिर मुझे नहीं टकराई वो। ठीक है, फिर शाम को, रात को 8-10 बजे करीब में वो यहाँ बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी, अकेली नहीं, और भी बैठे थे, बच्चे बैठे थे, तो मैं उससे कहा तेरा मन नहीं लग रहा हो तो बेटा घर चली जा, बोले नहीं नहीं अंकल मैं तो सोऊंगी। ठीक, बस इतनी बात। कितने बजे की बात? ये रात के 10 बजे करीब। अब आपको पता है वही लड़की जो है वो फलाहारी महाराज पर आरोप लगाई है। अब स्वाभाविक इन बातों को तो करीबन 1.5-2 महीने 1.5 महीना हो गया। 7 अगस्त। हाँ, 7। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।